आप बैठिए ना, मैं हिंदू महासभा की बात आप कर रहे हैं, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, कुछ लिखिए। मैं जवाहरलाल नेहरू की बात कर, मैं हिंदू महासभा, आप अधीर जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं भारत की संसद में खड़ी हूँ, एक सांसद हूँ, महिला अधिकारों की बात कर रही हूँ। अगर हिंदू महासभा की गलती थी तो वो भी गिनवा रही हूँ, और आज उसी गलती का जब दुरुपयोग करके मुसलमानों के खिलाफ बात होती है तो उसको भी रोक लगाना चाहती हूँ। मैं इस संसद में बताना चाहती हूँ कि इस देश का एक ही धर्म है और वो है भारत का संविधान। आपके जो भी आपके अधिकार है ना, धार्मिक अधिकार, वो आपके घर के अंदर है, और घर के बाहर जो है ना वो भारत का संविधान काम करता है। घर के बाहर भारत का संविधान काम करता है, और आपसी रिश्ते, नो एरिया कैन बी अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, एंड दैट हैज बीन रिपीटेडली गिवन कलर टू बाय द सुप्रीम कोर्ट इनैक्टमेंट्स एंड ऑर्डर्स। Somebody was talking about Sharia courts, and I think Mr. Premchandran mentioned it, in Uttar Pradesh, that those courts exist and they must continue to exist. This has been the observation of Supreme Court in Raghunath versus Union of India in 1994, that what is the state's role? Can there be a parallel judiciary in the country? How can a parallel judiciary exist when judicial role is assigned to judiciary under the Constitution of India? Probably he chose not to quote it, but I'm just quoting it, that the Constitution of India is a paramount document on the basis of which each person needs to be granted protection and laws. Now the question comes, abhi ye Narendra Modi ji ki sarkar kar kya rahi hai? Kabhi uthakar 10 crore shauchalaya banwa deti hai? कभी महिलाओं को 12 करोड़ गैस के सिलेंडर बंटवा देती है, और जब कुछ नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जैसा हिंदू व्यक्ति मुसलमान बहनों का भाई हो कैसे सकता है? ये सोचते हैं ये लोग।